डाली साहब भी नाल भी हो तो सारी जोड़ने के यहाँ मात्र को किया जाता है इलाके के कलामे पाक के लिए मैं इलाज करूंगा जनाब मोहम्मद रफीक भट्टी से चंद्र प्लस हाव चंद्र प्लस का आप नाम के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्म रिवाज हमारे प्रेस क्लब के साबित नायब सदर हैं वो हमारे प्रेस क्लब में हमेशा मुनाब करने की साबित हासिल करते हैं जनाब मोहम्मद आ जाना चाहिए किसे क्या दर पे बुला लिया किसे क्या बना बना लिया किसे क्या दर पे बुला लिया किसे क्या बना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है सल्लू अलैहि जनाब आजी रंगजीब साहब जनाब चेयरमैन बरकत साहब दीगर जितने भी हमारे मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम मैं जनाब नबीला यूसुफ साहब का साहबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके पहले इससे कबल भी हमने इनको वॉर गार्ड पर जाकर मुबारक दी। ये इनकी मेहनत और काविश है। ये इन्होंने पीपल पार्टी में जितनी इनकी मेहनत है शायद किसी और की ना हो, तो मैं समझता हूँ कि इनका ये राइट बनता था, तो इसी पर मैं इंशाल्लाह जाता हूँ। खुदा जनाब आबद हुसैन चौधरी साहब नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे इलाके का फ़ख्र जनाबा MLA साहिबा नबीला यूब साहिबा अंजमन ताजरान के साबिक सदर और आज़ाद जनरल सेक्रेटरी जनाब औरंगजेब साहब और सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ज़फ़ीर बाबा साहब और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं इस तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब ज़ुल्फ़िकार अहमद मुतियाली साहब को, जिन्होंने हमारे इलाके की चकसवारी की बेटी की एक इज़्ज़त अफजाई की और उनके एज़ाज़ में एक इस्तकबालिया रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त थोड़ी सी टाइम की भी किल्लत है, तो इस हवाले से मैं उम्मीद भी करता हूं कि मोहतरमा और हमारे जो इस वक्त 3 MLA हैं हमारे हल्के में, तो वो हमारे हल्के के मसाइल हल करने के लिए अपनी कोशिशों को बराबर साबित करेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा जज़ाकल्लाह। तकरीब में मौजूद जनाब अलादा बिस्मिल साहब कादिया साहब मेहरबान अली चौधरी साहब आपको भी खुश आमदीद। अब मैं
स्टेज की विसादत से अल फलाह सोसाइटी के नौ मुंतखब सदर चौधरी अब्दुल कयूम साहब आपको पूरे ईवान की जानिब से इस जिम्मेदारी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चौधरी लियाकत अली साहब हैं, तरवीर गजाली साहब हैं, अमजद महमूद साहब और रफीक साहब, सबका इसलिए नाम देना ज़रूरी है कि बाहर जाएंगे ना कहीं आपने हमारा नाम नहीं लिखा, अगर किसी का रह गया तो मैं दिली तौर पर आपसे माजत खा भी हूँ। अब नहायती मोहतरम भाई जिनके बगैर स्टेज हमेशा अधूरा रहता है और मेरी मुराद जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब जब आप मीरपुर से यहाँ सिर्फ हाजिरी के लिए आपको आना ही पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली सदर तकरीब मर्कजी सदर सेंट्रल यूनिट ऑफ जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद ज़फ़ीर बाबा साहब, इस तकरीब के मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अली मतियालवी साहब और दो दो शख्सियात के हैं कि नाम हैं और जितने भी अहबाब यहाँ स्टेज पे हैं और यहाँ हाल में सबको मेरी तरफ़ से सलाम हो। आज बुलंद करती हैं मैं अपनी बहन के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें मज़ीद इज़्ज़त से कामयाबी से मरतबे से नवाजे। वक्त का मैं बहुत से मुकर्रीन हैं, इन्हें मैं मेंबर असम्बली बनने पे एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ। ये मैं समझता हूँ दफ्तर कश्मीर हैं, हमारा फ़ख्र हैं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत एक शायर ने कहा है कि हम माएँ हम बहनें हम बेटियाँ कौमों की इज़्ज़त हम से है, ऐसी ख्वातीन जो हैं वो कौमों के सर फ़ख्र से बुलंद करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राज साहब। तो अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब साबिक़ AVP हैं यूनाइटेड बैंक, उनसे नहायती अदब के साथ गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाकर अपने ख्याल कर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जनाब सदर महफ़िल और मेहमान ख़ुसूसी मोहतबर मेंबर कानून साज असम्बली और दीगर मेरे तमाम दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि पूरे आज़ाद कश्मीर में पूरे हमारे हल्के में बेशुमार लोग होते हैं, लेकिन चंद लोग होते हैं जो पूरे इलाके के लिए बायस इज़्ज़त होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ख़ानदान अपने गांव इलाके के लिए बायस फ़ख्र होते हैं। हम तो आम आदमी हैं, लेकिन मैं बड़े दर से कहता हूँ कि मेरी दुआएं और हर वक्त ये सोच थी कि अल्लाह ताला मोहतरमा को एक दफ़ा मेंबर असम्बली बनाए, इसलिए कि पिछली दफ़ा भी इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई थी, शायद आपको पता ना हो। ऐसे लोग सिफारशी ऐन वक्त पर टपके कि इनका वो जो हक था उन्होंने छीन लिया और इनकी ये हिम्मत कि इतना अरसा मुसलसल जदोजहद जारी रखना, अपनी जमात के साथ वफादारी को जारी रखना, इसी की वजह से अल्लाह ने इन्हें एक बार फिर नवाजा है और बिला मुकाबला नवाजा है। और इस चीज़ का ये सबूत है कि इनके अंदर अपने जमात के लिए एक खलूस था और मोहब्बत थी, नज़रियाती मोहब्बत थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको नवाजा है। हमारे लिए बायस फ़ख्र इसलिए भी है कि हमारे एक ही गांव के 3 MLA हो गए हैं। अब इस इलाके के लिए ये भी एक बहुत बड़ा फ़ख्र है कि ख्वातीन में से ये वाहिद खातून है जो हमारे इस इलाके में पहले MLA बनी है। ये भी बहुत एक मुनफरद बात है जिसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको भी ज़ाती तौर पर बार बार मुबारकबाद देता हूँ और उनके ख़ानदान को अहल वयाल को भी बार बार मुबारकबाद देता हूँ कि उनके लिए भी ये बहुत फ़ख्रिया बात है और हमें खुशी है। अल्लाह ताला इनकी इस हिम्मत को जारी वसारी कर। बहुत शुक्रिया। तकरीब में जनाब इमरान बलाल साहब तशरीफ लाए, विकास मुगल साहब, आजी लियाकत साहब, जितने भी रहीम शौकत साहब, आज
तमाम दोस्तों ने, तमाम मकर्री ने वक्त की नज़ाकत का एहसास किया। सच्ची बात है, यहाँ जो स्टेज है इस पर जो जितनी भी मौजूद शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, इनका एक अपना मरतबा और मकाम है। और पंडाल में बैठे हुए आपने जिस अकीदत के साथ यहाँ तशरीफ़ लाने पर मोहतरमा का इस्तकबाल किया, जो शरीफ शवीक साहब आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं अब आज की इस तकरीब के मेज़बान मोहतरम नौजवान हैं, दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं। कल भी परसों हमारे प्रेस क्लब के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें तमाम दोस्तों ने इनको बिला तफरीक, बिला इम्तियाज अपने दिल की आवाज़ पर इनको खराज तहसीन पेश किया इनकी खिदमात के एवज। अल्लाह ताला इनको ये तफीक दे आइंदा भी इसी खलूस नीयत और जज्ब के साथ खिदमत का ये सफ़र जारी रखें। तो अगरचे साबिक एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी हाजी खालिद हुसैन साहब ने वक्त की नज़ाकत को समझे माजरी की थी, लेकिन मोहतरमा के हुक्म पर दो मिनट के लिए आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम का इज़हार करें। तो उन्होंने एक बार फिर माजरत की। तो हाजी साहब, आपने चकसवारी को मसाली बनाने में अपना किरदार अदा किया, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आने वालों से यही तवक्कात रखते हैं कि वो भी आपके नक्शे कदम पर चलें। अब मैं जनाब चेयरमैन अल फलाह सोसाइटी सर चौधरी जुल्फकार अहमद प्याली साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। सदर तकरीब, सदर सेंट्रल यूनियन, सदर ज़फ़ीर बाबा साहब, इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे इनके साथ दो रिश्ते हैं, बहन भी हैं बड़ी और भाभी हैं, और इस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इस हाल में बैठे हुए मौज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले एमएलए नबीला अयूब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। दो हफ्ते हो गए मैं अबीब साहब से रबते में हूँ कि मुझे टाइम दिया जाए, क्योंकि आज रात को मेरी रवानगी भी है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ये टाइम दिया और इस महफल की रौनक को दोबाला किया। हमारी जो चकसवारी की जो सरजमीन है उसके लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हमारी जो वूमेन से आपको एमएलए बनाया गया, हमारे लिए फ़ख्र है और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह पहले भी कश्मीर काज पर आवाज़ उठाती रही हैं, आप असम्बली में जाकर कश्मीर काज के लिए आवाज़ बुलंद करेंगी। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी अपनी जो है सोच के यहाँ चकसवारी में जो हमारे डिसेबल जो स्पेशल बच्चे हैं उनका कोई इदारा नहीं है, उसके हवाले से अगर हुकूमत कुछ कर सके तो उसके हवाले से कोई आवाज़ बुलंद करें जो स्पेशल बच्चे हैं। इसके अलावा जो होते हैं टेक्निकल कॉलेज या स्कूल, क्योंकि बेरोज़गारी है, कोई जो नौजवान है उनके लिए यहाँ एक स्कूल होना चाहिए, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। मैं जिस तरह स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की है कि जुमा भी है और सब ने नमाज भी पढ़नी है, मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आजी रंगजेब साहब, हबीबुल्ला चौधरी साहब और जितने भी स्टेज पर बैठे हुए हैं, ज़फ़ीर बाबा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके जो रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पर से स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाए, आप तमाम हजरात का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बस, थैंक यू।